क्या पुतिन ने ईरान को ऐसे हथियार दे दिए हैं जो इसराइल को तबाह कर सकते हैं? रूस की जमीन से इसराइल को धमकी, हमला हुआ तो मिटा देंगे। भले ही इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने टॉप कमांडरों के दम पर ऐलान करें कि इसराइल ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है, लेकिन हकीकत में इसराइल के लिए ईरान पर बहुत बड़ा हमला करना जरा भी आसान नहीं है। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इसराइल में 200 मिसाइलों से हमला करके साबित कर दिया था कि ईरान 2000 किलोमीटर दूर से भी इसराइल के हर हमले पर जबरदस्त पलटवार करने की क्षमता रखता है। 1 अक्टूबर के बाद से ईरान ने साबित कर दिया कि मिडल ईस्ट में हमास, हिजबुल्ला और हुथी लड़ाकों के साथ वो चट्टान बनकर खड़ा हो चुका है। इसराइल के खिलाफ ईरान का ये दमखम साफ दिखाता है कि ईरान को रूस और चीन से जबरदस्त सहयोग मिल रहा है। हम आपको रूस के कजान में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की वो तस्वीरें दिखाते हैं जहां साफ साफ देखा जा सकता है कि मिडल ईस्ट में इसराइल के साथ ईरान की जो जंग चल रही है उस जंग में रूस की एंट्री हो चुकी है। रूस के कजान में ईरान के 9वें राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजेशकियन की ये तस्वीर देखिए, फुल कॉन्फिडेंस के साथ 16 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। मसूद पजेशकियन की बॉडी लैंग्वेज को देखकर साफ समझा जा सकता है कि वो इसराइल के बड़े हमलों की खबरों को लेकर जरा भी परेशान नहीं है। अब आप ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजेशकियन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की ये तस्वीर देखिए जिसमें हाथ मिलाते दोनों के तेवरों को देखकर समझा जा सकता है कि रूस जंग के मैदान में ईरान के साथ डटकर खड़ा है। ईरान के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के बीच हुई इस मीटिंग में दोनों तरफ के टॉप मंत्री और अफसर भी मौजूद थे जिसमें ईरान और रूस दोनों ने ही इसराइल के रवैये पर सीधा हमला किया है। पुतिन और मसूद पजेशकियन दोनों ने ही इसराइल को खुली चुनौती दी है। पुतिन ने तो यहां तक कह दिया है कि इसराइल को ये जंग बहुत भारी पड़ सकती है। взаимный курс на всемирное укрепление наших связей. Они находятся на подъеме, носят подлинно дружественный, конструктивный характер. Скоро мы сможем закрепить достигнутые результаты новым большим межгосударственным договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. В целом подчеркну, что подходы России и Ирана к глобальной повестке. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेशकियन ने रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान इसराइल को एक भयावह चेतावनी दी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने दो टूक कहा है कि अगर इसराइल हमला करता है तो ईरान अविश्वसनीय प्रतिक्रिया देगा। ईरान में मौजूद रूसी युद्धपोत रूसी मिसाइलों के दम पर ईरान इसराइल पर फिर से बड़ा हमला कर सकता है। ईरान का दावा है कि उसके पास खुद का तैयार किया गया एयर डिफेंस सिस्टम जो रूस की S-300 एंटी मिसाइल सिस्टम की तरह है। अभी तक इस सिस्टम का टेस्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन ईरान का दावा है कि वो इसराइल के मिसाइलों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इससे पहले इसराइल ने ईरान इस्फहान पर हमला किया था जिसे पकड़ा नहीं जा सका। खास बात यह है कि ईरान के पास रूस के MiG-29 और अमेरिका के F-14 फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट भी है। यह अलग बात है कि ये दोनों ही फाइटर आज के वक्त में पुराने हो गए हैं, लेकिन अभी भी घातक हमला कर सकते हैं। कमांडर अली का खुला चैलेंज, नहीं जीत पाएगा इसराइल।
इधर 85 साल के ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के आदेश पर ईरान के टॉप कमांडर इसराइल को नए सिरे से खुला चैलेंज देने में लगे हुए हैं। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये हैं ईरान के टॉप कमांडरों में से एक मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी, जिन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि इसराइल अब ईरान पर हमला करने लायक ही नहीं बचा है। सिर्फ इसराइल ईरान पर बड़ा हमला करने का प्रोपेगेंडा कर रहा है। 67 साल के IRGC कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी का ईरान पर इसराइल के संभावित हमले पर बड़ा दावा किया गया। IRGC कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी ने डंके की चोट पर कहा है। कमांडर अली जाफरी ने कहा कि ईरान से बदला लेने के लिए इसराइल की तरफ से कोई बड़ा हमला करने की संभावना नहीं बची है। कमांडर अली जाफरी का मानना है कि इसराइल बड़ा और घातक हमला करने की बजाय एक प्रतीकात्मक या कहें कि सीमित हमले का सहारा ही ले सकता है। मेजर जनरल मोहम्मद अली जाफरी का साफ कहना है कि इसराइल ईरान की तरफ से 1 अक्टूबर को हुए मिसाइल हमलों के बाद से डरने लगा है। The axis of terror that was built by Iran is collapsing before our eyes. Nasrallah is gone. His deputy Mohsen is gone. Haniyeh is gone. Def is gone. Sinwar is gone. The reign of terror that the Iranian regime has imposed on its own people and on the peoples of Iraq, Syria, Lebanon and Yemen, this too will come to an end. वहीं दूसरी तरफ इसराइल में ईरान पर हमला करने को लेकर बहुत ही जबरदस्त तैयारियों की खबरें भी सामने आ रही है। इसराइल के रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने साफ कहा है कि इसराइल ईरान पर ऐसा हमला करने जा रहा है जो दुनिया को हैरान कर देगा और इसराइल की हवाई क्षमता साबित कर देगी कि इसराइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश होगा जो इस तरह के हमले कर सकता है। इसराइली डिफेंस फोर्स के बारे में दावा किया जा रहा है कि उसने 2000 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को हिट करने की क्षमता हासिल कर ली है। ईरान पर हमला करने को लेकर खास तैयारियां भी हो चुकी है। इसके लिए इसराइल ने F-15 आई स्क्वाड्रन से लेकर के F-16 आई सूफा स्क्वाड्रन तक को तैयार कर लिया है।